नमस्कार, पंजाब की सिटी टीवी में सभी का स्वागत है और आप देख सकते हैं डीसी कार्यालय धर्मशाला में विश्व ई कचरा दिवस के अवसर पर डीसी कांगड़ा द्वारा ई वाहन कचरा वाहन को हरी झंडी यहां पर दी गई है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो ई कचरा वाहन है उसकी मूवमेंट यहाँ पर भेंट जो है वो किए जा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर डीसी कांगड़ा द्वारा हरी झंडी देकर के ई कचरा वाहन को रवाना जो है वो किया है। और पूरे बात करेंगे पूरे शहर का, तो कोई भी अगर कॉल करना चाहता है कहीं पर कचरा अगर है, क्योंकि विश्व कचरा दिवस है और इस उपलक्ष्य पर शहर साफ सुथरा बनाए रखने के लिए ये पहल जो है वो की गई है। देख सकते हैं डीसी कांगड़ा द्वारा यहाँ पर हरी झंडी लेकर के इसे रवाना किया गया है। और अब जो है वो पूरे शहर में ये वाहन जो है वो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें पालमपुर नगरोटा की, तो कल नगरोटा में भी ये वाहन जो है वो चलाया जाएगा। ये कचरा वाहन जो वो इस वक्त आज किस तरह से ये देख सकते हैं ये कचरा वहन राज क्या करोगे, एम्बियंस पे लगोगे उस पर 10 सेकंड। ये लो मनोज भाई, 2 मिनट भाई पकड़ो। ये ऑन है, ठीक है। बोले सर, बड़ा दिन है आज, जिस तरह से ई कचरा संग्रहण सप्ताह के तौर पर आज यहाँ से हरी झंडी आप दिखा रहे हैं, क्या है थोड़ा सा? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लो, नीचे कर लो। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 14 अक्टूबर है उसको ई वेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, और उसी को लेकर जो है एक सप्ताह का एक कैंपेन है जिसमें जो ई वेस्ट का संग्रहण सप्ताह के तौर पर इस सप्ताह को मनाया जा रहा है। और इसमें प्राइमरी एम ये है कि जो जागरूकता है लोगों में ई वेस्ट को लेकर, या बाकी जितना भी इस प्रकार का हमारा इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है जो यूज़ नहीं होता, वो पैदा करना है। हालांकि इसमें जितना भी ई वेस्ट है उसके लिए जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनको मैंडेटरी है कि ई वेस्ट के लिए वो अपना अलग से क्योस लगाएं कलेक्शन के लिए, परंतु आमतौर पर ये देखा जाता है कि हम अपने घरों में जो है वो पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं, आजकल मोबाइल्स का ज़माना है, उसके बाद पावर बैंक्स हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हमारे घर पर या तो वैसे ही पड़ा रहता है या फिर इग्नोरेंस के चलते हम उसको नॉर्मल वेस्ट के अंदर उसको डाल देते हैं। और इसमें जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर जो बहुत मैं कहूँगा ह्यूमन हेल्थ के लिए ख़तरनाक है, यदि कल को वो कूड़ा जाके किसी वाटर बॉडी का पार्ट बनता है या फिर किसी तरह हमारी फूड चेन के अंदर दोबारा आता है, तो उसमें बहुत ऐसे घातक केमिकल्स हैं जिनकी वजह से जो हमारी हेल्थ है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो दुष्प्रभाव है वो पड़ सकता है। और इसी के चलते जो ई वेस्ट है इसके लिए स्पेसिफिक जो रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ हैं वो होती है, और हमारे यहाँ कोई ज़िला कांगड़ा में कोई रिसाइकलिंग फैसिलिटी नहीं है, परंतु यहाँ पे कलेक्शन सेंटर है जो हमारा हिमालयन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, जिनकी मदद से आज हम ये जो एक मोबाइल ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव है इसको शुरू कर रहे हैं। और
इसमें जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इसमें रहेगा, आज आधा दिन जो है वो गाड़ी डीसी ऑफिस धर्मशाला रहेगी, उसके बाद जो सेकंड हाफ है डे का वहाँ पे कांगड़ा के अंदर जो ई वेस्ट है उसकी कलेक्शन की जाएगी। कल जो है पालमपुर और नगरोटा बगवा जो सब डिविजन है उसके अंदर जो ये जो व्हीकल है वो जाएगी, और परसों जो है वो देहरा और ज्वालाजी जो सब डिविजन है उसके अंदर इसका जो शेड्यूल है वो तय किया गया है। और आज मैंने भी मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि हम सभी के घरों में बहुत सारा ई वेस्ट है, आज मैंने भी जो घर में ई वेस्ट पड़ा हुआ था वो इनको आज सौंपा है, और आज हमने सभी जो हमारे कार्यालय के लोग हैं उनसे भी आह्वान किया था कि जो उनके पास चाहे कार्यालय के अंदर चाहे घर के अंदर कोई ऐसा ई वेस्ट है जो जो दिया जाना है ऑथराइज्ड रिसाइकलर को, तो उसको आज ज़रूर दें। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने जो ई वेस्ट है वो अपने घरों का और अपने कार्यालय का निकाल करके जो है वो दिया है, और मेरी यही अपील रहेगी सभी लोगों से कि ई वेस्ट एक अलग कैटेगरी है वेस्ट की, इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसका डिस्पोजल का जो तरीका है वो भी बहुत अलग है नॉर्मल वेस्ट से, और इसको घर पे भी रखना मैं कहूँगा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हम ये भी सुनते हैं कि कहीं ना कहीं किसी पुराने मोबाइल की जो बैटरी है वो फट गई या किसी और प्रकार से जो इंजरी है वो कॉज हुई है, तो जो काम का नहीं है आपका इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल उसको ऑथराइज्ड रिसाइकलर को या तो कोई ऐसा यदि कोई एक स्पेशल कैंपेन चलाया जाता है या अपने जो कंसर्न्ड अर्बन लोकल बॉडी है उनको आप प्रोवाइड करें ताकि वो सेफली जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सके और उसमें उसके जो दुष्प्रभावों से हम सभी लोग जो हैं वो बच सकें। अमूमन सर देखा यही जाता है कि इस तरह के जो पर्टिकुलर डेज होते हैं हम उन्हीं दिनों में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और आगे जाकर हम फिर वहीं उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो जैसे ये आज कैंपेन के मोड पे हम चला रहे हैं इसका ये एक स्थायी व्यवस्था मैं नहीं कहूँगा कि एक स्थायी व्यवस्था है, इसका मेन एम जो है वो अवेयरनेस जनरेशन ही है, और जो ऐसे दिवस जो हम मनाते हैं ये एक कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराते हैं हम सभी लोगों को कि ऐसा जो है इसमें जो जैसे अगर हम ई वी एस की बात करें तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं जो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं या इनको डिस्पोजल के जो तरीके हैं उनसे हमें वी शुड ऑल बी वेल वर्स। तो ये जो है जैसे ये कैंपेन दीज आर नॉट मैं कहूँगा ये एक अस्थायी तौर पर ही हम इनको चला सकते हैं, ऑल अराउंड द ईयर इनको नहीं चलाया जा सकता, और उसके लिए स्थायी व्यवस्थाएँ अलग हैं जिसके माध्यम से ई वेस्ट को जो है वो दिया जा सकता है, परंतु एक अवेयरनेस जनरेशन के लिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे जो दिवस हैं उनको हम ऑब्जर्व करें और साथ ही साथ इसका जो मैसेज है फार एंड वाइड लोगों तक वो पहुँचे। सर गुड गवर्नेंस के लिए भी आपको प्रथम स्थान जो है वो मिला है, कैसे देते हैं क्रेडिट आप, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस वक्त जो वैश्विक महामारी थी चाहे ये नेचुरल क्लाइमेटी थी उस दौरान किस तरह से काम हुआ हम सबने देखा है, फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं क्या क्या कारण रहे हैं। देखिए मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है अब इस बार भी और पिछली बार भी हमें दोनों वर्ष जो है वो प्रथम स्थान मिला है, और उससे पहले हमारी जो रैंक है वो 7th थी और एक क्वांटम जंप है 7 से 1 पे हम लोग पहुँचे हैं, और उसके बाद अगले वर्ष भी इस बार भी हमने उसको मेंटेन किया है। तो एक ये जो इंडेक्स है इसमें सब प्रकार के जो पैरामीटर्स हैं चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हों चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों चाहे अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी हो लॉ एंड ऑर्डर हो क्राइम हो एजुकेशन हेल्थ जो हमारे वेलफेयर सेक्टर्स हैं इन सभी के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स जो हैं वो सरकार ने बनाए हैं, और कहीं ना कहीं ये एक जो कोहरेंस के साथ सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, एक जो जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितनी भी इकाइयाँ हैं वो आपस में मिलकर के जो कार्य हैं वो कर रही हैं, और कोई भी ऐसा जो प्रोजेक्ट है मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो डिले हुआ है, कहीं ना कहीं यदि किसी एक डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट से इश्यूज आए हैं तो उसको ज़िला प्रशासन ने बैठ करके रिजॉल्व करवाया है, और साथ साथ ये जो अवार्ड है एक टेस्टिमनी भी है कि सभी जो ऑफिसर्स हैं ऑफिशल्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो कार्य है वो कर रहे हैं, हालांकि हमेशा जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहेगी, देखिए 100% जो है वो नहीं हो सकता, परंतु जिस प्रकार से ज़िला कांगड़ा को पिछले 2 वर्षों से लगातार ये अवार्ड मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं ये उजागर होता है कि सभी जो लोग हैं वो अपने
जो कर्तव्य हैं, अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके प्रति सचेत हैं और उनके उनको अचीव करने के लिए जो मेहनत है वो उनके द्वारा की जा रही है। बहुत जल्दी जो है यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर होने वाला है, हालांकि इवेंट्स तो चल ही रहे हैं वर्ल्ड कप के तौर पर, लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच जो बड़े स्तर पर देखा जा रहा है, व्यवस्था किस तरह से रहेगी सर, क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं सभी जो जिला कांगड़ा के लोग हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं एक विश्व पटल पर जो धर्मशाला है और जो ये अभी हम देख भी रहे हैं कि टूरिज़्म एक्टिविटीज़ भी काफ़ी, जो प्लेयर्स हैं वो भी एक जो मैसेज है वो घर लेके जा रहे हैं कि बहुत अच्छी जो प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा जो है मैं मानता हूँ कि इन मैचेस से मिलेगा और इन मैचेस को सुचारू रूप से इनकी एग्जीक्यूशन करवाने के लिए जो सभी डिपार्टमेंट्स के साथ जो लगातार बैठकें हुई हैं, और उसमें जैसे आपने देखा होगा पहले दो मैचेस के अंदर भी कोई ऐसा मेजर इशू नहीं कहीं पे भी आया, चाहे वो PWD का हो, चाहे वो IPH का हो, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, और इन सभी चीज़ों पे पहलुओं पे जो है वो आवश्यक जो डायरेक्शंस हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स को दिए हुए हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उस दिन संडे है जिस दिन 22 तारीख का मैच है, उस दिन एंटिसिपेटेड है कि काफ़ी ज़्यादा रश होगा, परंतु जो प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है वो तैयार है, जो भी चीज़ें की जानी थी वो की जा चुकी हैं, और उस दिन जितनी भी भीड़ होगी तो वी आर फॉर्चुनेट कि उस दिन संडे है तो बाकी जो रश है वो उस दिन कम होगा, उसके लिए भी पूर्ण रूप से जो है प्रशासन तैयार है, और हमारी यही प्रयास रहेगा कि उस दिन का जो मैच है वो भी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड और एक इफेक्टिव मैनर में उसको जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान वाले लोग हैं और सर्दी का मौसम आ रहा है, क्या जाएगी आने वाले पुराने कपड़ों के लिए इसका वेस्ट भी जिलाते हैं, इससे काफ़ी सारा पॉल्यूशन होता है, इनको क्या? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी प्रकार के वेस्ट को जलाने पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, और इसमें जितने भी हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जितनी भी शहरी इकाइयाँ हैं, वो पूर्ण रूप से सशक्त हैं कि यदि कोई ऐसा इंसिडेंट उनके सामने आता है तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से भी जो फाइन है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ पे भी लगाया जाता है, और यदि ऐसी कोई ऐसा इनपुट है तो हम इसके ऊपर एक विशेष जो है एक IEC का कैंपेन भी कर सकते हैं, और कंसर्न जो ULBs हैं उनको सख्ती से डायरेक्शंस भी पास करेंगी यदि कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आता है तो जो एज पर लॉ कार्रवाई की जानी है, जो उनके ऊपर फाइन किया जाना है उसको उसका व्यवस्था जो है वो तुरंत करें, ताकि ऐसे जो एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे जो कार्य हैं उनको हम लोग रोक सकें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू। ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी, इसी कांगड़ा में हिदायत जो है वो ये है कि जिसके पास भी मटीरियल जो भी घर पे है उसे ज़रूर ये वाहन जो ये शुरू की गई है विश्व कचरा दिवस के उपलक्ष्य पर उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ अपने हिसाब से किसी और लाइन में आपके साथ मिलना होगा। नमस्कार।